उम्मीद है कि आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है इसमें आपको मैं बताने लगा हूं कि आप मैट्रिक साइंस और एफएससी में कोई बच्चा भी फेल नहीं होगा। जो बोर्ड ने कवानीन बना दिए हैं, इन कवानीन के मुताबिक अब स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मौजें लग गई हैं। ना को मैट्रिक साइंस में फेल होगा, ना एफएससी यानी आईसीएस मेडिकल और नॉन मेडिकल, इनमें कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। तो ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को मैं बताने जा रहा हूँ। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। तो चलो अभी आप तफसील के साथ आप सबको बताता हूँ कि मैट्रिक साइंस के जो बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल होता है, और एफएससी के बच्चे जो मेडिकल के हों, आईसीएस के हों, नॉन मेडिकल के हों, यानी जिनका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला हो, वो बच्चे अब फेल नहीं होंगे। उनके बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि अब मैट्रिक में बोर्ड्स का जो न्यू फार्मूला है उसके मुताबिक जो बच्चा 9th 10th और प्रैक्टिकल के नंबर मिला के किसी भी सब्जेक्ट में 50 नंबर लेता है तो वो पास होगा। यानी अगर वो 15 नंबर 9th में लेता है, 8 नंबर वो 10th में लेता है, और अगर वो 30 में से 27 नंबर जो प्रैक्टिकल के लगवा लेता है तो समझो कि उसने 50 नंबर ले लिए, वो पास है। यानी अगर 50 नंबर आपने लेने हैं तो 30 नंबर आप प्रैक्टिकल के लगवा लें, तो बाकी 10 9th में ले लें और 10 10th में ले लें, तो आपका सब्जेक्ट पास हो गया। तो इन कवानीन के तहत अब प्रैक्टिकल के नंबर मिला के जो बच्चा 50 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में ले लेगा तो वो पास हो जाएगा। यानी 10 9th में ले ले, 10 10th में ले ले, बाकी प्रैक्टिकल में लगवा ले तो वो पास हो जाएगा। इसी तरह एफएससी में है। तो अब इन कवानीन के तहत बहुत ही कम बच्चे फेल होंगे, बल्कि स्टूडेंट्स की तो मौजें लग गई हैं। अगर वो प्रैक्टिकल के फुल नंबर लगवा लेते हैं तो 8 9 10 नंबर तो वैसे ही वो ले जाएंगे, तो इसी तरह वो बच्चे जो हैं वो फेल बहुत कम होंगे। तो ये स्टूडेंटों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के रूल्स में तब्दीली हुई है, और अब प्रैक्टिकल के नंबर मिला के टोटल पासिंग मार्क्स लेने होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मार्क्स, यानी अगर फिजिक्स है उसके फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के और प्रैक्टिकल के नंबर मिला के अगर कोई बच्चा पास है तो वो पास होगा। इसी तरह मैट्रिक के जो साइंस सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल के नंबर मिला के 9th और 10th के टोटल नंबर अगर वो 50 ले लेता है तो वो पास है। इस तरह बच्चों की लग गई है मौजें। इस तरह बहुत ही कम बच्चे फेल होंगे, जो 10 से भी कम नंबर लेंगे वो फेल होंगे। जो 10 12 नंबर 9th में और 10 12 10th में ले जाएंगे, बाकी उनको प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे और वो आसानी से पास हो जाएंगे। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें।